Hello everyone, we are a team of Monica's Nursing Academy. We provide coaching to various nursing students for various government nursing exam and to get admission in government institute for higher studies. We provide online as well as offline coaching. For more details, you can contact us on 8219033032. You can also visit our academy. Our address is Thakur Complex behind IDBI Bank near DC office, Hamirpur. So today we will discuss regarding the remaining topic of anatomy and physiology of cardiovascular system. जैसे अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हमारे ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं फोर चैम्बर और वो फोर चैम्बर कौन कौन से होते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नेक्स्ट वी डिस्कस रिगार्डिंग द वेल्व्स अगर हम वेल्व्स की बात करें हमारे ह्यूमन हार्ट में दो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व आते हैं दो सेमिलूनर वेल्व आते हैं जैसे कि वर्ड ही बता रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर मीन्स एट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में जैसे राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करें वहां पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जैसे आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं दीज आर ट्राइकस्पिड वेल्व नेक्स्ट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मिट्रल वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इनको बोला जाता है बाइकस्पिड This is termed to be as a bicuspid valves. इनका काम क्या होता है इनका काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना जैसे ही ब्लड हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल में आ जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल में आ जाएगा ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि जो हमारा ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द वेल्व्स तो ये अब आते हैं हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमिलूनर वेल्व की सेमिलूनर वेल्व भी हमारे पास दो प्रेजेंट होते हैं अब वो दो कौन कौन से होते हैं एक होता है हमारे पास पल्मोनिक वाल्व और एक होता है एयोटिक वाल्व हियर यू कैन सी दिस इज पल्मोनिक वाल्व एंड दिस वन इज एयोटिक वाल्व अब ये दोनों वाल्व्स की अगर हम बात करें फर्स्ट वन इज पल्मोनिक एंड सेकंड वन इज एयोटिक ये दोनों वाल्व कहां पे प्रेजेंट होते हैं दैट यू शुड नो लोकेशन कहां होती है अगर हम पल्मोनिक वाल्व की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी नेक्स्ट अगर हम बात करें एयोटिक वाल्व की लोकेशन क्या होती है एयोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है दैट इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एयोटा दिस इज द लोकेशन ऑफ द पल्मोनिक वाल्व अब हम बात करेंगे दोबारा से रिगार्डिंग द वाल्व जैसे अभी हमने पढ़ा रिगार्डिंग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व टोटल कितने होते हैं दो सेमिलूनर वाल्व कितने होते हैं टोटल दो सबसे पहले हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बारे में बात करी फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वाल्व व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड सेकंड वन इज अ मिट्रल वाल्व व्हिच इज आल्सो टर्म्स टू बी एज अ बाइकस्पिड वाल्व एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नेक्स्ट हमने देखा रिगार्डिंग द सेमिलूनर वाल्व जो कि दो होते हैं पल्मोनिक एंड एयोटिक पल्मोनिक वेल की बात करें तो उसकी लोकेशन होती है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी नेक्स्ट अगर हम बात करें एयोटिक वेल की तो ये प्रेजेंट होता है दैट इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एयोटा सो दिस इज रिगार्डिंग द वेल सो फॉर मोर सच वीडियो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू वेरी मच